बहनें भाई के माथे पर टीका और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करती हैं। बदले में भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देते हैं। देश भर में राखी के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बाजारों में देश भर में आज जो है रौनक खासी देखी जा रही है और बहनें जो हैं आज सज सवर कर अपने भाई के हाथ पर, अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आज 1:30 बजे तक भद्राकाल भी है, उसके बाद ही राखी जो है वो बांधी जाएगी। तो ऐसे में देश भर में आज खासी रौनक देखी जा रही है। सड़कों पर भी आज खासी भीड़ देखी जा रही है। आज का दिन वैसे भी काफी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आज सावन का अंतिम दिन भी है और साथ ही साथ सावन का आखिरी सोमवार भी है आज। और ऐसे में सुबह सवेरे से ही मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। भाई बहन भी आज सुबह से ही भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद राखी का त्यौहार शुभ मुहूर्त आने पर मनाया जाएगा और काफी खास दिन होता है आज का। भाई बहन के प्रेम का दिन होता है आज का। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो उस वक्त भाई वचन देता है उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी रक्षा करने के लिए और जिंदगी भर उसका ख्याल रखने की आज के दिन वचन देने का ये दिन होता है। और काफ़ी पुराणों में इसकी कथाएं हैं जो आज के दिन कही भी जाती हैं। और आज का दिन काफ़ी खास है, क्योंकि शुभ मुहूर्त भी आज 1:30 बजे के बाद है और उससे पहले मंदिरों में जो है शिव भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और आपको बताएंगे हम कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है, किन राशि वालों के लिए कैसे खास रहेगा, भाई बहन के लिए ये त्यौहार आज का और साल भर भाई बहन के बीच में कैसे रिश्ते रहने वाले हैं, ये तमाम जानकारी आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देने वाले हैं। और किस तरीके से आज के इस खास दिन को और भी खास बनाया जाए ये भी जानकारी हम आपको देंगे। किस तरीके से किस मुहूर्त पर आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है, कौन से रंग की कलाई आपके भाई के लिए शुभ होगी, किस तरीके से भाई की आरती आपको आज के दिन उतारनी है, कौन से वो मिठाइयाँ होंगी जो आज के लिए शुभ होंगी, कौन से वो फूल होंगे जो आज के लिए शुभ होंगे, तमाम वो जानकारियां हैं जो आज के दिन पूजा करने से लेकर भाई के लिए थाली सजाने तक की जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो पारखियां होती हैं, वो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपके लिए ये त्यौहार काफ़ी ख़ास है, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये त्यौहार काफ़ी ख़ास है। और इसको ख़ास बनाने के लिए शुभ मुहूर्त का जानना और शुभ चीज़ों के बारे में जानना, सही तरीका पूजा अर्चना करने का और रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधने का जो तरीका होता है सही, वो जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। और कहते हैं ना कि हर चीज़ अगर सही मुहूर्त पर हो तो वो और भी ज़्यादा रंग लेकर आती है। वैसे तो हर दिन ही शुभ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुहूर्त के अनुसार की जाए तो उसमें और भी रंग अच्छा निकल कर आता है। और आज जो मनोकामनाएँ देशभक्त देश भर में की जा रही हैं वो भी आज के दिन बताई जाएंगी।